एक सवाल जो बहुत बार मेरे सेमिनार में, मेरे स्टूडेंट इंटरेक्शन में, मेरे लोगों के इंटरेक्शन में आया है और बहुत बार पेरेंट्स ने भी पूछा है कि वो कौन सा एज होता है जो मोस्ट क्रिटिकल होता है। तो क्रिटिकल होता है पूरे एक आयु में, आप अगर एक जिंदगी जीते हैं तो सबसे क्रिटिकल एज वो कौन सा एज होता है, ये बहुत बार जानने की कोशिश की है लोगों ने। और मेरा एक दोस्त था जो अभी मेरे पास नहीं है, मार्टिन थॉमस, जिसे मैं बहुत मानता हूँ, वो अक्सर कहता था कि लाइफ में दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा, यदि आपने मेहनत किया, आपने निवेश किया सही स्किल सेट्स पे या सही कौशल पे, सही दिशा पर, तो आप जो दूसरा हिस्सा होता है वो दूसरा हिस्सा आपका बड़ा स्मूथ जाएगा, बड़े आसानी से कट जाएगा, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ऐसा उसका कहना होता था। और कितना सही था वो आज मैं इस बारे में अच्छे से समझ पाऊंगा, क्योंकि जो मेहनत हमने पहले की थी और वो मेहनत आज उसका फल हमें नजर दिलाती है, और जो हमने बड़े आसानी से लिया था चीजें, आज वो हमें दोहराती है कि ये शायद हम थोड़ा और गंभीरता से लेते तो बड़ा अच्छा होता। तो उसी विषय में मोस्ट क्रिटिकल एज समझ में आता है, जो रिसर्च भी बताता है कि रिसर्च फाइंडिंग ये कहता है कि 18 साल से 26 साल ये सबसे सबसे सेंसिटिव, क्रिटिकल, बहुत यानी क्रक्स होता है ये सबका, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग पीरियड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि सीखने का जो समय होता है वो ये होता है। यही समय होता है जब हम हमारे पांव फिसल जाते हैं, यही समय होता है कि हम इंडल्ज कर लेते हैं अपने आप को बुरी आदत या अच्छी आदत पे। तो ये वो समय होता है 18 साल से 26 साल जो डिसाइड करता है कि आपके बाकी के जो साल हैं, जितने भी आपके प्रोडक्टिव ईयर्स होंगे, जब भी आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्टिव कर रहे होंगे, प्रोडक्टिव कर रहे होंगे, कोई मतलब ऐसी राह पे चल रहे होंगे जहां पर आगे प्रोग्रेस है, वो राह आपके लिए खुल जाती है, क्योंकि ये 18 और 26 ये हमें बहुत बहुत संभाल के। तो सबसे क्रिटिकल एज 18 से 26। अच्छा, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। बहुत सारे बच्चे इस एज में अपने आप को ढूंढते हैं कि वो कौन है, क्या उनकी पहचान उनके माता पिता से है, क्या उनकी पहचान उनकी शिक्षा से है, क्या उनकी पहचान उस स्कूल से है जहां वो जाते हैं, क्या उनकी पहचान कोई हुनर से है, या उनकी पहचान अभी भी बाकी है। आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे इम्पोर्टेंट रहता है 18 साल से 26 साल के एज के बीच में। दूसरा जो ट्रायंगल थ्योरी में मैं कवर कर रहा हूं वो ये है कि इसी एज में जब हम आइडेंटिटी क्राइसिस ढूंढते हैं तो बच्चा रिवोल्टिंग नेचर में आ जाता है, यानी हर माँ बाप को बच्चा जस्ट उल्टा देखता है, वो कहता है कि ये क्यों मना करते हैं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अकेले भार संभाल सकता हूं, मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं, मैं बड़े काम कर सकता हूं। लेकिन तभी माँ बाप कहते हैं कि तू इतना बड़ा नहीं हुआ, अब थोड़ा सीख ले, समझ ले, फिर कर लेना। अब ये जो बच्चा है, ये बच्चा है, ये बड़ों जैसा नहीं सोच सकता है, और बड़े सोचते इसलिए क्योंकि वो इस दौर से गुजर चुके हैं। तो ये बड़ा एक ऐसा सिचुएशन होता है जो बहुत ही डाइसी सिचुएशन होता है, ट्रिकी होता है, विडंबना होती है इसमें समझने की, ये कि माँ बाप जो कह रहे हैं वो सही है, बच्चा जो कह रहा है वो भी सही है। तो इसे अगर आप नाप तोल कर छोड़े और उसे डिसीजन मेक करने का थोड़ा सा समय दे, थोड़ा मौका दे, तो शायद उसका रिवोल्टिंग नेचर थोड़ा कम हो सकता है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी क्राइसिस में दोष बन के रहिए, दूसरा रिवोल्टिंग में थोड़ा उसे मौका दीजिए कि वो थोड़ी छूट में कुछ डिसीजंस ले, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करे, और उसके साथ रहिएगा, दूर मत जाइएगा, लेकिन उसे मौका दीजिएगा ताकि वो अकेले करे, ये बड़ा लाभदायक हो सकता है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से सर्कल में बच्चा जा रहा है। इंडल्जेंस की जब मैं बात कर रहा हूं, यानी वो अपने आप को कहीं पछतावे में तो नहीं डाल रहा, कहीं वो अपने आप को जानबूझकर माँ बाप को गलत ठहराने के विषय में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जो कि बहुत ज्यादा गलत है, या सब कुछ अच्छा हो तो फिर आप जानकारी लेते नहीं है, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा हो सुचारू रूप से तो इसकी जानकारी लेने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जहां बच्चा इंडल्ज होता है उसे बच्चे को जाने दीजिए, लेकिन सोच समझ कर उसे जाने के बाद में उससे पूछताछ करते रहिए उसके दोस्तों के बारे में जहां वो जा रहा है। ज्यादा गंभीरता से मत लीजिएगा, मगर ये कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी जवाब मिलते हैं उनकी कंसिस्टेंसी है कि नहीं। बच्चे को यदि मौका देंगे तो कोई बच्चा झूठ नहीं बोलता है, आप उसे मौका ही नहीं देंगे और उसे पकड़ के रखेंगे तो यकीनन बच्चे कई सवाल करते हैं और उन्हें लगता है कि आपका जमाना गया, अब नया जमाना आ गया, लेकिन बच्चा ये नहीं जानता है कि नए जमाने में बहुत कुछ बदल चुका है, समय बदला है, हालात बदले हैं। इसलिए माँ बाप एक अच्छे दोस्त बने, माँ बाप अच्छे गाइड बने, माँ बाप अच्छे फैसिलिटेटर बने, माँ बाप अच्छे इन्फ्लुएंसर बने। कैसे बन सकते हैं? जो वो प्रीच कर रहे हैं वही प्रैक्टिस करें। कैसे?
वो एक्शन द्वारा जो करेंगे घर में वही बच्चा सीखेगा। तो इनकी शुरुआत 18 से 26 की शुरुआत आपके घर में तब से होनी चाहिए जब से ये बच्चा आपके पास आता है। तब से अगर इसकी शुरुआत करें और धीरे धीरे हम डेवलप करें तो शायद 18 साल से 26 साल की जो गंभीर अवस्था है, जो मोस्ट क्रिटिकल है, नाजुक स्थिति वाली जो अवस्था है, उसको हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आज के मेरे ट्रायंगल थ्योरी में अगर 18 से 26 साल मोस्ट क्रिटिकल एज को ठहराया गया है रिसर्च और हमारे सबके डिस्कशन में, तो इसे आप सबसे पहले आइडेंटिटी क्राइसिस में मदद कीजिए, बच्चों के दोस्त बनिए, रिवोल्ट करता है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए और उसे हल्का सा छूट जरूर दीजिएगा ताकि वो डिसीजन मेक करे और प्रॉब्लम सॉल्व करे, और क्यूरियोसिटी को मत उसे मारिएगा। तीसरा, उसके इंडल्जेंस जहां जहां है, जो जो विषय में है, चाहे वो दोस्त हो या फिर कोई भी उसका इंटरेस्ट एरिया, उसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बगैर समझे कृपया बच्चे के क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को और क्रिटिकल थिंकिंग को प्लीज प्लीज मत डिफीट कीजिएगा, क्योंकि बच्चा वहां से बनता है। याद रखिएगा, मार्टिन थॉमस जो मेरा दोस्त है वो यही कहता था कि पहले हिस्से में जो आपने बोया वो दूसरे हिस्से में आप उसका फल चखोगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी के घर के फल मीठे हों।